सब सब तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं लच्छादार पराठा, यानी कि आज का पराठा होने वाला है प्याज का पराठा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, तो उसमें मिक्स करना है हमें 1/2 टीस्पून नमक और 2 चम्मच ऑयल, जिसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक का फ्लेवर है हमारे सारे आटे में आ जाए। तो हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए इसे हम गूंथ लेते हैं। तो हमें ऐसा आटा गूंदना है जैसे हम डेली यूज में रोटी बनाते हैं, सेम उसी तरह का गूंदना है, सॉफ्ट बिल्कुल। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप ये लंच में रख सकते हो। हरी मिर्च को स्किप कर देना है, उनको बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता। तो हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो चलिए इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक मैं उसके लिए बनाती हूँ जो हमें पराठा के अंदर भरना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं स्टफिंग। तो उसमें मैंने लिया है 2 प्याज बारीक कटा हुआ, और मैंने लिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च ली है। चलिए इसको हम मिक्स कर देते हैं, और हमें हाथों से ऐसे मसलना है जिससे उसकी जो लेयर है ना वो पूरी खुल जाए। तो हम इसे मिक्स करने वाले हैं कुछ मसाला। तो हमें लेना है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी लाल मिर्च, और 2 चुटकी हमें लेना है गरम मसाला, और हमें 1/2 टीस्पून लेना है आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप नींबू का यूज कर सकते हो। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि इनका जो फ्लेवर है हमारे सारी स्टफिंग में आ जाए। तो अब हमें मिक्स करना है 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और हमें थोड़ा ऐड करना है जीरा। चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे जो मसालों का फ्लेवर है पूरे स्टफिंग में आ जाए। तो ध्यान रहे कि इसकी जो लेयर है वो सारी खुल जानी चाहिए। तो 1/2 चम्मच लेना है हमें नमक स्वादानुसार। तो नमक हमें सबसे बाद में ऐड करना है क्योंकि नमक से जो प्याज है वो मुलायम होने लगता है, और हमें इन्हें चारों तरफ मिक्स कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर पूरे मसाले में आ जाए। तो चलिए हमें आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गया है, वो अच्छे से सेट हो चुका होगा। तो हमें एक बार इसे हथेलियों से अच्छे से मसल लेना है ताकि जो हमारे पराठा है वो उनकी लोइयां फटे ना। तो हमने ले लिया है आटा का डो बना लिया है। तो आपको जैसा साइज पसंद हो आप उसी हिसाब से लोइयों को बना सकते हो। तो हमें लोही को बेल लेना है जैसे आप रोटी बेलते हो, ना ही मोटी हो ना ही पतली हो, नॉर्मल जैसे आप डेली रोटी बनाते हो। तो हमारी रोटी बनके तैयार हो गई, आप देख सकते हो। तो चलिए हमें इसमें लगाना है 1 चम्मच ऑयल,
जिससे जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो अच्छे से चिपक जाए। चलिए, जो मैंने इसके लिए स्टफिंग बनाई थी उसे हम भर लेते हैं। अगर आपको ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे कचौड़ियाँ बनाते हो आप उसी तरह से इसको बना सकते हो, नहीं तो आप दो रोटियाँ बेलकर उसमें बीच में रखकर भी आप बना सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हो। चलिए हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। जब हमारा पराठा पूरा फोल्ड हो जाए तो हमें साइडों से लॉक कर देना है ताकि जो हमारा प्याज है वो निकले ना। और हमें हल्के हाथों से पराठा को चारों तरफ दबा देना है ताकि हमारा जो अंदर स्टफिंग है वो चारों तरफ फैल जाए अच्छे से। तो हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है। जब कभी आपका सब्जी बनाने का मूड ना हो तो आप इस तरह के पराठा बनाकर खा सकते हो जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख सकते हो। तो हमें ऐसे ही और पराठे को बना लेना है। तो चलिए, मैंने रख दिया है गैस पर तवा गरम होने के लिए। तो एक बार आपको चेक कर लेना है कि मतलब तवा ज़्यादा गरम तो नहीं हो गया है, तो उसे हमें कर देना है लो फ्लेम पर। तो हमें पराठा को तभी पलटना है जब वो अच्छे से थोड़ा सीख जाए। तो हमें पराठा के दोनों तरफ घी को लगा देना है। आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। तो हमें घी को साइडों पर लगा देना है जिससे हमारी जो किनारियां हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और सिक भी जाएं अच्छे से। तो ये पराठा हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है। अगर आपको पराठा क्रिस्पी चाहिए तो आप घी यूज करें, अगर आपको पराठा मुलायम चाहिए तो आप ऑयल का यूज कर सकते हो। लेकिन तेल और घी आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा खा सकते हो। तो तेल घी आपकी चॉइस है, जितना आपको पसंद हो। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, जैसे आप इसे रोटी की तरह भी बनाकर खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमें साइडों से मक्खन जरूर डालना है जिससे हमारी जो साइड किनारे हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो हमारे लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनाए जा सकते हैं। अगर वीडियो मिली जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।